नमस्कार दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ भारतवासी रहते हैं वहाँ विभिन्न तरह की ये प्रार्थना सभाएं और कार्यक्रम हो रहे हैं। ये वो शख्स थे जिन्होंने कुछ दशक पहले एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य ना हो जहाँ पे एक निशान, एक विधान और एक प्रधान ना हो, और उन्होंने ये सपना जो संजोया था उसके एवज में अभी पिछले साल ही एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके तहत आर्टिकल 370 और 35 जो है वो हटाया गया है, और इसके हटते ही एक खुशी की लहर जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश में आई है। और ना सिर्फ जो स्टेट सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यूज थे उससे ही हमें छुटकारा नहीं मिला है, बल्कि हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, उन सबको मतदान का अधिकार भी मिला है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की कई नई शुरुआत चीज़ों की हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, मेरा ये मानना है कि अगर हम इसी तरह से अपनी संस्कृति और संस्कृत को अगर प्रोटेक्ट करें, बचा के रखें और आने वाली पीढ़ी में इसकी इच्छा शक्ति को जगाए रखें, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो एक जो सपना हमारे सब महानुभावों ने देखा था वो पूरा होगा कि हिंदुस्तान एक विश्वगुरु बनेगा। धन्यवाद।